नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ तुलसी का, माँ वृंदा का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी का त्यौहार है, तो आइए आज जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज गोपाष्टमी पर गौ सेवा के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। छोटी छोटी सफलताएं आज आपको आगे से आगे बढ़ाती जाएगी। सेहत का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा खिलाइए। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन जरूरी कामों को दिन के फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। हर तरह के संवाद के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के जो सितारे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका दिन आज शुभ रहेगा। किसी से एक छोटी सी मुलाकात काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बदल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है, कुसुम जी हैं झालावाड़ से, जो कि अपने भाई सत्यनारायण के लिए जानना चाहती है। सत्यनारायण जी की जन्म की तारीख है 17/1/1973 और जन्म का समय है सुबह का 5:30 का। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। कुसुम जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, गुरु जी चरण स्पर्श से शुभ आशीर्वाद बेटा, जय श्री कृष्णा। पूछिए, क्या पूछना है? हाँ ये ना, जब से इसकी शादी हुई ना, तब से इसके जीवन में उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, फिर बच्ची हुई तो बच्ची, फिर बच्चा हुआ तो बच्चा, और अब खुद की बीमारियों की गले में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं हम कि ये दिन बार बार ऐसा क्यों चलता रहता है। इस शादी में सबसे थोड़ा कमी है, बीमारियां ज्यादा परेशान। देखो बेटा, और इसके पापा की कमी की इसके बारे में जानना था। देखिए बेटा, आपके जो भाई हैं सत्यनारायण जी, उनकी जन्म कुंडली में पहली चीज तो ये सप्तम भाव में दाम्पत्य घर में चंद्रमा केतु का ग्रहण योग बना हुआ है, और चंद्रमा वहाँ जो विद्यमान है वो मृत्यु स्थान का मालिक जो है चंद्रमा, वो दाम्पत्य घर में आके बैठ गए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहे, पत्नी सुख में जो है वो कमी हो जाए। सूर्य की, शनि की मादशा इनको चल रही है, उसके साथ साथ में जो दूसरी प्रॉब्लम है वो राहु गुरु का चंडाल योग। राहु गुरु अगर साथ बैठ जाता है तो चंडाल योग बन जाता है। तीसरा जो कारण है वो इनकी कुंडली में पितृदोष का होना। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके पियर पक्ष की बात हो रही, चूँकि भाई की बात है तो आपके पिता, दादा, परदादा, पिता आपके जीवित हैं तो दादा, परदादा, एक पीढ़ी और ऊपर में तीन पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, इवन आपकी मदर के अबॉर्शन भी हुए हों, तो भी वो पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली से, भाई की जन्म कुंडली से लगता है कि पितृदोषी।
पितृदोष की शांति के लिए सरल सा उपाय है, जब भी समय मिले आपके पिता के द्वारा या भाई खुद अपने हाथ से साल में एक बार किसी भी, जैसे अगर सपोज दादाजी का दाग तिथि है या श्राद्ध पक्ष है, तो उस दिन उनका नाम से तर्पण कर ले। नियमित रूप से पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों के नाम का अवश्य लगाएं। रसोई में जब आपके भाई की पत्नी खाना बनाए तो उनका मुख जो है वो पूरब दिशा में हो। सोते समय इनको जो सिर रखना है वो दक्षिण दिशा में रखना है या पूरब दिशा में रखना है। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाएंगे। आपके भाई की जो वाइफ है उनके वजन के बराबर गुड़ का दान और उनकी बेटी जो है उसके वजन के बराबर गुड़ का दान, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसी कार्तिक मास के अंदर गौशाला के अंदर करवाना। निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। एक लोहे का छल्ला इनको बोली मध्यमा उंगली में धारण कर ले। हर मंगलवार शनिवार को नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें। एक डेढ़ महीने में काफ़ी अच्छा इनको परिणाम देखने को मिलेगा। पंडित जी, अभी के लिए अर्चना जी भी जुड़ गई है हमारे साथ भीलवाड़ा से, जो कि अपनी बेटी साक्षी के लिए जानना चाहती है। साक्षी की जन्म की तारीख है 16/11/1991 और जन्म का समय है 1:15 का। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी। जी हाँ, मैं क्या अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। पूछिए बेटा। हाँ जी, उसकी शादी के बारे में और उसकी पढ़ाई के बारे में। उसकी शादी का योग कब तक है और पढ़ाई? अभी किस में पढ़ रही है बेटा? वो M.Tech कर रही है। गुड। देखिए अर्चना जी, बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, शनि स्वग्रह है इसलिए टेक्निकल लाइन के अंदर ये सर्वाइव कर रही है और 3 नवंबर तारीख निकल चुकी है। 3 नवंबर जो लास्ट गई है 3 तारीख को 2015, शनि की महादशा केतु का अंतर, इसका एक फ्लक्चुएशन वाला जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है। अब शनि की महादशा शुक्र का अंतर शुरू हुआ है, 2019 तक चलेगा ये। बाकी बच्ची की जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं है, जो दिक्कत है वो 2 ग्रह जो हैं, एक तो इसकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर का जो स्वामी है सूर्य नीच का होके बैठा है, दूसरा इस बच्ची के भाग्य स्थान का जो स्वामी है शुक्र वो भी नीच का होके बैठ गया। तो जब भी आप इस बच्ची की शादी करेंगे ये ध्यान रखिएगा किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएंगे। सिर्फ ये नहीं देखना है कि भाई गुण कितने मिल गए, 36 में से 30 गुण मिल गए ना, आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। जो लड़का आप लेके आ रहे हैं, हम ये कहते हैं आज के समय में आपने कोई अच्छा पुण्य किया होगा तो आपको अच्छा जवाई मिले और आपने अच्छे पुण्य किए होंगे तो आपको अच्छी बहू मिले। इस कलयुग में घोर कलयुग हो गया है कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो गई है अच्छी बहू लाना और अच्छा दामाद लाना। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। सूर्य की शांति के लिए एक तांबे का छल्ला रिंग फिंगर में पहना के रखिए, डायमंड भूल के भी नहीं पहनाना है। योग्य आचार्य के निर्देशन में आप ग्रह शांति करवा लीजिएगा। 2016 के मध्य में इसके विवाह का तय होने का योग है। कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकती है अगर कोशिश करें, बाकी सब अच्छी है। मैरिड लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लड़का उसके लिए ढूंढ के लाते हैं। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरस्वती जी हैं बीकानेर से, जिनकी जन्म की तारीख है 11/11/1971 और जन्म का समय है 10:40 का। सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मेरे आप कुंडली देख के ये बताएंगे मेरे मकान का योग कब तक है? देखिए, जन्म तारीख 21 नवंबर है। 21 नवंबर 1971। 71 10:40 10:40 ठीक है। सरस्वती जी, आपके साथ समस्या ये है कि आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, सन 2009 से चल रही है, 2027 में ख़त्म होगी और उसमें भी राहु की महादशा और शनि का अंतर आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है। आपके घर का, आपके नाम से यदि बात करें, यदि आपके खुद के घर का, क्योंकि अगर आप विवाहित हैं तो अब आप घर आपके पति के नाम से होगा या आपके नाम से होगा वो एक वाली बात अलग हो जाती है। तो आपके नाम से यदि हम बात करते हैं, आपका स्वयं का जो घर है वो मार्च 2016 के पश्चात में आपके स्वयं का घर होने का पूरा पूरा संयोग बन रहा है, पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली अच्छी है, कुंडली में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। केतु बैठा है आपके लग्न में चंद्रमा के घर में ग्रहण योग बनाते हुए। थोड़ा शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखिए और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल
अवश्य चढ़ाइए। और राहु के लिए गोमेद रत्न आता है मध्यमा उंगली में, 5:15 या 7:15 रत्ती का रविवार के दिन धारण कर लीजिए। नियमित रूप से आपको तुलसी जी और उसके साथ साथ में केले का पौधा लगा लीजिए और दोनों की नियमित रूप से पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है। अगर आप 1 महीना भी ये कंटिन्यूस कर लेती तो अगले 6 महीने में आपके पास में आपका स्वयं का मकान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी हैं जयपुर से, जो कि अपने बेटे हर्ष के लिए जानना चाहते हैं। हर्ष की जन्म की तारीख है 25/5/2000 और जन्म का समय है 12:27 का। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। विक्रम जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद जी। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। ये बहुत ही चंचल है, खाली घर में ही चंचल है, स्कूल में चंचल नहीं है ये, और पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है, न इससे मेहनत होती है पढ़ने में कोई, और आलस बहुत ज्यादा इसके अंदर है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसका ऐसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, थोड़ा कृपया इसके बारे में बताइए। मुझे बड़ी इसकी चिंता रहती है, आज के टाइम में सब लोग इतने होशियार समझदार हैं, ये ऐसे कैसे है, कैसे पार पड़ेगी? पूत कपूत तो क्यों धन संचयर, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ज़्यादा चिंता, अमेरिका में बहुत अच्छा सिस्टम है विक्रम जी, बच्चों को 12वीं क्लास तक पढ़ाया और छोड़ देते हैं कि जाओ पढ़ाई लिखाई करो, शादी ब्याह करो। ये अपने हिंदुस्तानी है जो पकड़ के रखते हैं बच्चों को। खैर, ये तो एक मजाक की बात है। बच्चे की जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष बना हुआ है, 2वादश भाव में राहु बैठा है। ये इंडिकेट करता है कि इस बच्चे को गलत संगत से हमेशा बचा के रखिएगा, गलत संगत में नहीं पढ़ने दीजिएगा। लग्न का मालिक सूर्य, कैरियर हाउस में पिता के घर में सूर्य बुध बुध आदित्य योग, बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ा होगा या इतने उच्च पद पे नहीं पहुंचा होगा जितना ये आगे बढ़ेगा बच्चा। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन 18 साल की राहू की महादशा से बच्चा गुजर रहा है। राहू का काम क्या है? सर्प, टेढ़ा चलना। वैसे इस बच्चे के स्वभाव में टेढ़ापन आ गया है। एक गोमेद रत्न का पेंडेंट या अंगूठी में आप 5:15 रत्ती का मध्यमा उंगली में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। उसके साथ साथ में ध्यान करके किसको मूंगा रत्न अवश्य पहना दीजिएगा, क्योंकि इसके शनि जो है वो भाग्य स्थान में बैठा है नीच का होके। 7 बार नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ। विशेष बात जो ध्यान रखने की है कि किसी के पचड़े में नहीं पड़ना, शेयर मार्केट में नहीं जाना, पैसों का लेन देन का काम नहीं करना, किसी की जमानत नहीं लेना, किसी की गारंटी नहीं लेना। इन सब चीज़ों से इस बच्चे को दूर रखिएगा। आने वाला जो समय है, न केवल स्टडी के लिहाज से, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे ही इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो और आप इसको गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी अवश्य करवाइएगा। ये गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुँच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के जो आपके तरीके हैं उनको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी बात पर अड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है, दूसरों की भी सुनिए। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प भगवान शिव के मंदिर में अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि। दिन का जो फर्स्ट हाफ है, पहला जो हिस्सा है, उसमें कोई बहुत समय से जो रुका हुआ पैसा है वो आज आपको मिल सकता है, और जो भी आपने प्लान कर रखे हैं काम, आज वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर उसका अर्थ प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। हर क्षेत्र में आज सफलता मिल सकती है, कामकाज में सुधार होगा, खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन खर्च जितना जो पैसा है उतना आ भी जाएगा। जब आ जाए फिर खर्च होवे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो तब होती है जब खर्च ही होता जा रहा है और आमदनी कम हो जाए। तो आज बैलेंस है आपका, तराजू बराबर रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मचाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।